हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड वेपर प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर वेपर प्रेशर। ओके, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स? हियर इज द फिगर। यू सी देयर इज प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पर है, ठीक है। तो जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज होकर के वेपर के फेज में, ये मॉलिक्यूल्स है वेपर के फेज में, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसमें कोई एक सॉलिड सॉल्यूट मिलाया जाएगा, कोई सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हैं। ये जो ग्रीन कलर के जो आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपका सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड सॉल्यूट जो लिक्विड है आपका वेपराइज होगा, सॉल्यूट ऐसा है जो वेपराइज नहीं होगा, जिसे हम नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। तो अब इसमें जो कहता है लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज, ठीक है, कोई भी लिक्विड होगा तो किसी टेम्परेचर वेपराइज होगा, वेपर बनाएगा, ठीक। एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। कहने का मतलब है कि कोई भी लिक्विड है किसी टेम्परेचर पर वेपराइज होगा तो इसका वेपर जो बनेगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर भी बन रहे होंगे, और जो वेपर वो बने हुए मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंडेंस होकर के पुनः लिक्विड बन रहे होंगे, ठीक। तो उस टाइम पर जब दोनों की रेट बराबर हो जाएगी, वेपराइजेशन रेट एंड कंडेंसेशन रेट सेम हो जाएगी, तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फेज में वह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड फेज में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर में बनेंगे, वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वाटर बनाएंगे, सॉल्वेंट बनाएंगे जो भी आपका लिक्विड होगा, ठीक। तो अब ये जो वेपर के फेज में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसके सरफेस पर एक प्रेशर लगाएंगे, जिसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है ये पहले इसमें देखो क्या करो, इस प्योर सॉल्वेंट में आपका प्योर सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें कुछ और हमने नहीं मिक्स किया है, कोई भी अन्य लिक्विड या कोई और सॉल्यूट हमने मिक्स नहीं किया है। आप क्या कि दूसरे फिर डायग्राम में देख दूसरे फिगर में देखेंगे, वन मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड वन मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसमें इसमें एक मोल सॉल्वेंट है और एक मोल सॉल्यूट के एक मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसमें आप जो ग्रीन कलर से मॉलिक्यूल दिखाए हैं ये आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, और जो ब्लू कलर से हैं ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो शुरुआत में जब हम इसका वेपर प्रेशर नापेंगे, वेपर प्रेशर जो है मेजर करेंगे, जो प्योर फॉर्म में था P1 naught, तो इस इनिशियल कंडीशन में इसका भी P1 naught ही होगा, लेकिन कुछ समय बाद इसका प्रेशर कम हो जाएगा, P1 हो गया, कुछ समय बाद इसका जो प्रेशर होगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? और उसी टेम्परेचर पर कम होगा, मतलब जो टेम्परेचर इसके लिए होगा, मान कर चलो इसके लिए कुछ 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो इसके लिए भी 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही इसका प्रेशर कम पड़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ाना है जो घटाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप कुछ प्रेशर जो है कम पड़ जाएगा, इसे हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों होता है? देखो पहले इस प्योर सॉल्वेंट में सभी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स थे वो सभी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा वेपराइज हो सकते हैं, ज़्यादा नंबर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे। इस जब सॉल्वेंट को मिला देंगे आप इस सॉल्वेंट में, ठीक है, तो सरफेस पर कहीं कहीं पर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो वेपर ना बनाए। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही केवल वेपराइज होंगे, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होने के लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर क्या है कम है। क्यों कम है? क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने अपनी प्लेस
ऑक्यूपाई कर लिया है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हटा करके। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बनाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वेपर बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं कम ही वेपर फेज में जा पाएंगे, वेपर फेज में कम ही जा पाएंगे, क्योंकि जब क्योंकि कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है, जिससे थोड़ी देर बाद इसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। इन अ पेयर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। किसी पेयर लिक्विड में जो एंटायर सरफेस होता है, मतलब पूरा जो सरफेस होता है वो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, पूरा जो सरफेस है इसमें केवल आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जब मिक्सर लेते हैं सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट का, तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होगा सरफेस पर, ठीक। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेंपरेचर। मतलब जो इसका वेपर प्रेशर होगा P1 वो थोड़ा कम होगा, किसके, इस P1 नॉट से कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमने मिला दिया है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जो वेपर नहीं बनाएगा, तो वेपर नहीं बनाएगा पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे थे उनको रोक लेगा, तो जिससे इसका वेपर प्रेशर कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही सब इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। फिर है फिर आता है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स लॉ। ओके, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए, मतलब उसमें सॉल्यूट भी आपका लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड होगा, ठीक है। जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो जो सॉल्यूशन होगा हमेशा लिक्विड होगा, ठीक। तो ऐसा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होते हैं उनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आइडियल सोल्यूशन, दूसरे नॉन आइडियल। अब आइडियल क्या होते हैं, द सोल्यूशन विच अवेयर अराउंड ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आर नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब ऐसे सोल्यूशन जो कंसेंट्रेशन के किसी भी मेजरमेंट पर, किसी भी माप पर रॉड्स कर लेगा, रॉड्स लॉ फॉलो करे हो आपके आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे, ठीक। The enthalpy of mixing of the pure components to form the solution is zero and the volume of mixing is also zero, ठीक। मतलब अगर हमने दो लिक्विड्स लिए हैं, इनको अगर आपने दो लिक्विड्स लिए हैं, एक लिक्विड ले लीजिए, दूसरा लिक्विड और ले लीजिए, तो इनका जो इनके इनको जब मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए किन्हीं दो लिक्विड्स को मिलाने पर या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो लेकिन आइडियल केस में ऐसा माना जाता है कि ना तो एनर्जी निकलती है और ना ही एनर्जी देनी पड़ती है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। जैसे आप कभी वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे बिना बुझा चूना, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, H2O प्लस CaO दिस इंप्लाइज CaOH का होल टाइज प्लस सी हाँ CaOH का होल टाइज, ओके, और इसमें एनर्जी प्लस एनर्जी निकलेगी एनर्जी, ठीक। जब भी आप वाटर में आप कोई बिना बुझा हुआ चूना मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाटर खाव उबलने लगता है, मतलब एनर्जी निकलता है ना रिएक्शन के थ्रू। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। मान कर चलो कि आपके पास एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। जो कंपोनेंट ए है उसमें जो बॉन्डिंग होगी ए टाइप की होगी, जो कंपोनेंट बी है उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो बी टाइप की होगी, ठीक। अब जब आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा ए बी टाइप का, कैसा बनेगा ए बी टाइप का। तो आइडियल होने के लिए क्या है कि जो ए बी टाइप के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी
जो ये बांड बना है, ये बांड कैसे हुआ, अट्रैक्शन फोर्स के था, तो जिसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो सेम होगा जो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। तभी आपका ये जो दोनों कंपोनेंट होंगे आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। इन प्योर कंपोनेंट्स द इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, ये जो प्योर कंपोनेंट्स में जो है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, मतलब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब केवल मॉलिक्यूल्स के भीतर ही जो इंट्रैक्शन है, ये जो ए और ए के बीच जो इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स होगा या जो बी बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स है सेम होना चाहिए जो ए बी के टाइप का, ए बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी आपका आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। Will be this types of A and BB. For each in the binary solution, in addition to these two interaction, AB type of interaction will also be present. कह रहा है कि अगर एक दो कंपोनेंट ले लीजिए ए ए टाइप का और बी बी टाइप का, ठीक, इनको मिलाने से एक बनेगा ए बी टाइप का, तो इनके बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा और जो इनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो सेम होना चाहिए जो इन दोनों ए बी टाइप ए बी के बीच इंट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। आर नियरली इक्वल, मतलब पूरी तरीके से नहीं इक्वल होता है पर नियरली इक्वल होता है, लगभग लगभग। कभी कोई पूरी तरीके से इंट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच होगा, वो ए जिसके बीच इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो इसके बीच के इंट्रैक्शन फोर्स के कभी बराबर नहीं हो सकता, लगभग बराबर होगा। वैसे ही इसमें भी जिसके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स होगा इसके लगभग बराबर होगा, पूरी तरीके से बराबर नहीं होगा, नियरली इक्वल होते हैं, तो इसको हम आइडियल सोल्यूशन मान सकते हैं। आगे इसमें लिखा है ए परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज रेयर, मतलब कोई परफेक्ट पूर्ण तरीके से आइडियल सोल्यूशन हो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल के मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए बी टिक के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स है वही ए के बीच हो, वही बी बी टाइप के बीच इंट्रैक्शन फोर्स हो, ठीक। तो कुछ इसके एग्जाम्पल है आइडियल सोल्यूशन के जो आपको आइडियल बिहेवियर दर्शाते हैं, लगभग थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन मतलब सिक्स कार्बन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मेथेन प्रोब्यूट पेंटेक्स एक्शन, आपका एक नॉर्मल एक्शन होगा वैसे ही नॉर्मल हेप्टेन, सेवन कार्बन लगा देंगे तो नॉर्मल हेप्टेन ब्रोमेथेन मेथेन प्रोप ब्यूट, इस पर कहीं पे टू ब्रोमोमेथेन और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा है क्लोरोएथेन, ऐसे जो नहीं एथेन है सर, हमने सोचा ब्रोमो ब्यूटेन है, ब्यूटेन नहीं एथेन, इसमें केवल दो ही कार्बन होंगे, एक कार्बन नहीं होगा इनका, ब्रोमो एथेन है ना, ब्रोमो एथेन, इसलिए कहा आप किस पर भी लगाएंगे तभी वन ब्रोमो एथेन रहेगा, इस पर लगाएंगे तो वन ब्रोमो एथेन रहेगा, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट बोलते हैं ब्रोमो एथेन, वैसा ही क्लोरो एथेन है, मतलब दो कार्बन होंगे किसी पर भी क्लोरीन लगा सकते हैं क्लोरो एथेन, ठीक। बेंजीन, सभी को आपका फॉर्मूला पता है C6H6, टोलून मतलब बेंजीन जो रिंग होगा उस पर CH3 लगा दीजिए तो आपका एक टोलून बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं, टोलून हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया, नॉर्मल एक्टेन हो गया, आपका आइडियल सोल्यूशन बिहेव कर दिखाते हैं, आइडियल बिहेवियर दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, when a solution does not appear outside over the entire range of concentration then it is called non ideal solution. जब कोई ऐसा solution जो Raoult's के law का पूरी तरीके से follow नहीं करता है हर, तो उसको हम non ideal solution बोलते हैं। अब ठीक है, the vapor pressure of such solution is either higher or lower than the predicted by Raoult's law. Okay? तो ऐसे सोल्यूशन जो नॉन आइडियल होंगे मतलब जो रॉल्स का लॉ पूरा फॉलो नहीं करेंगे उनका वेपर प्रेशर या तो ज्यादा होगा या कम होगा, किससे, जो मतलब रॉल्ट के हिसाब से हम निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, उस वेपर प्रेशर से या तो ज्यादा उनका होगा उनका वेपर प्रेशर या कम होगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक। इफ इट इज हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई है तो इसको हम पॉजिटिव डेविएशन बताने के लिए सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ है और जो इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो जो इसका नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा, ठीक है। ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके वेपर पे राउंड के नियम से जो कैलकुलेट करेंगे उससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और जो कम होगा उनका वेपर प्रेशर तो राउंड के नियम से नेगेटिव डेविएशन दर्शाएंगे, ठीक है।
तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, इसके बाद फिर पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन रूप से एक मिनट के कि मॉलिकुलर लेवल पर देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक कंपोनेंट ए टाइप का है, दूसरा आपका बी बी टाइप का है, ठीक। तो इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा ए बी टाइप का, ओके। अब नॉन आइडियल के बीच जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है एफ, इसके बीच मान लीजिए F1, इसके बीच मान लीजिए F2, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो F है अट्रैक्शन फोर्स, ये ज्यादा होगा F1 से, F ज्यादा होगा F2 से। जब ऐसा कंडीशन है तो नॉन आइडियल होगा, मतलब तो इनके AB टाइप के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो A से ज्यादा होगा या BB से ज्यादा होगा। ये ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक। और यदि कम है, F जो इंट्रैक्शन फोर्स है ये कम है किसके, F1 से, सॉरी F1। ये जो F इंट्रैक्शन फोर्स है ये किससे, इस F1 से कम है, F1 मतलब इनके जो A के बीच इंट्रैक्शन फोर्स है उससे कम है, और F2 से भी कम है, मतलब ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है कम है किससे, F2 से। तो ये आपका नॉन आइडियल तो ऐसा ही दिखाएगा क्योंकि जो इंट्रैक्शन फोर्स है दोनों से कम है, पर निगेटिव डेविएशन भी दिखाएगा, निगेटिव डेविएशन जब कम होगा, ठीक। इधर जब ज्यादा होगा ये एबी के बीच इंट्रैक्शन फोर्स, तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। थोड़ा अपोजिट होगा ये, जब ज्यादा होगा तो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस।